स्वागत है आपका वर्ल्ड स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं कि आज के टॉप वर्ल्ड स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज स्पेस एक्स के CEO इलॉन मस्क ने स्टारशिप रॉकेट का जो बूस्टर है उसके प्रोटोटाइप को फाइनली शो करा है। जैसा कि आपने अभी तक स्टारशिप रॉकेट के सेकेंड स्टेज के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग ही देखी थी, जिसमें SN8, SN9 और SN10 शामिल हैं, लेकिन आज इलॉन मस्क ने इसी के फर्स्ट स्टेज का जो बूस्टर है जिसका जो कोड नेम है वह BN1 है को शो करा है। यह जो BN1 है वह एक 230 फीट का मतलब की 70 मीटर का फर्स्ट स्टेज का बूस्टर है जो की मेन स्टारशिप रॉकेट को लॉन्च पैड से लॉन्च करेगा। और यह तो आपको पता है कि हर बार की तरह ही यह जो फर्स्ट स्टेज का बूस्टर है यह भी एक रीयूजेबल रॉकेट होने वाला है, जिसका मेन वर्क स्टारशिप के सेकेंड स्टेज को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाना होगा। फिलहाल तो यह जो BN1 है इसकी फर्स्ट फ्लाइट कब होगी यह तो पता नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज की तरफ से बताया गया है उसके अकॉर्डिंग 2021 के जून या जुलाई महीने में इस BN1 प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करा जाएगा। और अगर सब कुछ इलॉन मस्क के प्लान के अकॉर्डिंग चलता है तो स्टारशिप रॉकेट की जो फर्स्ट फ्लाइट है वह भी 2021 के लास्ट में कंडक्ट करी जाएगी। वहीं यह जो SpaceX का स्टारशिप रॉकेट है वह इंसानों को मून और मार्स तक ले जाने की कैपेबिलिटी रखता होगा। और केवल इतना ही नहीं, अगर यह स्टारशिप रॉकेट सक्सेसफुली अपने सभी टेस्ट को कंडक्ट कर लेता है तब इलॉन मस्क का एक जो रैपिड ट्रांसपोर्टेशन का सपना है जिसकी मदद से जो हर एक इंसान है वह मात्र एक घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, इस सपने को भी इसी स्टारशिप रॉकेट की मदद से पूरा करा जाएगा। अब देखना यह है कि 2021 के लास्ट में स्टारशिप रॉकेट की जो फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है वह कितनी सक्सेसफुल होती है। फिलहाल तो SpaceX का जो SN11 प्रोटोटाइप है उसका जो टेस्ट है वह मार्च महीने के लास्ट में या फिर अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में कंडक्ट करा जाएगा। बाकी आपका स्टारशिप रॉकेट के बूस्टर को देखने के बाद क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नासा के द्वारा अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के कोर स्टेज के इंजन की टेस्टिंग को कल यानी 19 मार्च को परफॉर्म करा गया था। यह टेस्ट नासा और बोइंग एरोस्पेस के द्वारा परफॉर्म करा गया था, जिसमें कि स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के जो कोर स्टेज का बूस्टर है उसके इंजन को 500 सेकेंड्स तक के लिए फायर करा गया था। और यह टाइम उतना ही है जितना की इस रॉकेट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुँचाने में लगेगा। इससे पहले भी दो और कोर स्टेज के टेस्ट को परफॉर्म करा जा चुका है, जिसमे से जो पहला टेस्ट है वह RS-25 इंजन के स्टार्ट होने के मात्र कुछ ही देर बाद बंद हो गया था। वहीं जो दूसरा टेस्ट था उसमें यह RS-25 इंजन 500 सेकेंड्स तक के लिए बर्न हुए थे। और जो टेस्ट कल परफॉर्म करा गया था उसमें जो कोर स्टेज का बूस्टर था उसके इंजन 7:47 PM EDT मतलब कि 2:07 AM IST पर स्टार्ट हुए थे, जिसके बाद 500 सेकेंड्स तक के लिए बर्न करने के लिए इन इंजन ने करीब 26 लाख लीटर के क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल करा था। और SLS सिस्टम के और स्टेज की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद नासा का जो ITMS-1 रॉकेट है उसको 2021 के लास्ट में लॉन्च करे जाने के लिए शेड्यूल करा गया है, जो कि मून तक नासा के ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लेकर जाएगा। फिलहाल तो अभी 2021 के लास्ट से पहले इसके अभी कुछ और टेस्ट को भी परफॉर्म करा जाना है, ताकि 2024 में जब नासा के द्वारा इस रॉकेट की मदद से अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर दोबारा से लैंड करवाया जाएगा तब किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बाकी क्या आपने नासा के इस स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के कोर स्टेज की टेस्टिंग का वीडियो देखा है या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज वैज्ञानिकों के द्वारा मून पर अर्थ स्पीसीज के DNA को स्टोर करने के प्लान को रिवील करा गया है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर कभी पृथ्वी पर परमाणु युद्ध, सुपर वोल्केनिक इरप्शन या फिर एस्टेरॉयड कोलिजन होता है तो इससे अर्थ की जो स्पीसीज हैं वे पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी और हमारा नामो निशान भी मिट सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी पर मौजूद 6.7 मिलियन नॉन स्पीसीज के DNA जिसमें स्पर्म, एग्स और कई सारे बर्थ सीड्स शामिल हैं उनको मून के लावा ट्यूब्स में स्टोर करे जाने का प्लान को रिवील करा गया है। और फ्यूचर में इन लावा ट्यूब्स को सोलर पावर की मदद से लैबोरेटरीज में कन्वर्ट करा जाएगा, जिसके बाद यहां पर अर्थ की स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल्स को स्टोर करने का प्लान बनाया गया है, जिसमें करीब 67 लाख स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल शामिल है। और वैज्ञानिकों के द्वारा अपने इस प्लान को IEEE एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस में COVID-19 पेंडेमिक के बाद शो करा गया है। उनका कहना है कि अगर फ्यूचर में पृथ्वी पर ऐसी कोई तबाही आती है तो अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ अर्थ पर विजिट करने आती है तो वहाँ पर उनको मून के लावा ट्यूब्स में अर्थ पर मौजूद इन स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल्स मिल जाएंगे, जिससे कि उनको ये पता लग सकता है कि कभी पृथ्वी पर भी इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद थी जिसने कि यहाँ पर इन सैंपल्स को स्टोर करा है।
और वैज्ञानिकों का यह कहना था कि 6.7 मिलियन स्पीसीज के जेनेटिक डाटा को मून पर पहुंचाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हमें अर्थ की लाइफ के जो एविडेंस हैं उसको किसी डिजास्टर के बाद भी बनाए रखना है तो इसके लिए अन्य किसी प्लेनेट या फिर सैटेलाइट पर हमें इसके डाटा को स्टोर करके रखना इम्पोर्टेंट है। बाकी इतने सारे जेनेटिक मटेरियल्स के डाटा को मून पर पहुंचाने के लिए करीब 250 रॉकेट्स के लॉन्च की जरूरत होगी, जो कि एक कार्गो शिप की तरह बारी बारी से यह जो डाटा है इसको मून पर लेकर जाएंगे। बाकी वैज्ञानिकों के द्वारा जो ये प्लान रिवील करा गया है यह केवल तभी पॉसिबल होगा जब इंसान किसी दूसरे प्लेनेट पर कॉलोनीज बनाकर रहना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करें और साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी डेली वर्ल्ड स्पेस अपडेट्स को आसानी से हिंदी में देख सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की न्यूज की ओर। आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के होप स्पेसक्राफ्ट के द्वारा मार्स की इमेज को कैप्चर करा गया है। यह स्पेसक्राफ्ट 9 फरवरी 2021 को मार्स के ऑर्बिट में इंसर्ट हुआ था और प्रेजेंट टाइम में इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा खुद को मार्स के टेम्परेरी ऑर्बिट से करेक्ट करते हुए फाइनल ऑर्बिट में लाया जा चुका है, जहां पर यह जो होप स्पेसक्राफ्ट है इसके साइंटिफिक वर्क को परफॉर्म करा जाएगा। फिलहाल तो आप जो इमेज देख रहे हैं वह इसी होप स्पेसक्राफ्ट के एमिरेट्स एक्सप्लोरर इमेजर के द्वारा 13,007 किलोमीटर की से कैप्चर करी गई है। वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से इसके साथ जो दो अदर इंस्ट्रूमेंट भेजे गए हैं उनके डाटा को भी रिलीज करा गया है, जिसमें एमिरेट्स मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि मार्स पर हीट फ्लो होने के डाटा को शो करता है। वहीं जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वह एमिरेट्स अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि इसके अपर एटमोसफेयर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन मोनोक्साइड के कंपाउंड्स की स्टडी कर रहा है। बाकी अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि परसिवरेंस रोवर के मार्स के जेजरो क्रेटर पर अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग को परफॉर्म करे हुए एक मंथ को कंप्लीट करा जा चुका है और अपने इस एक महीने में इस रोवर के द्वारा अपने कई सारे टेस्ट को कंडक्ट करा गया है जो कि जिसके बारे में आप हिंदी स्पेस चैनल पर देखते ही रहते होंगे, लेकिन नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के द्वारा इसके इनिशियल डाटा को भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम तक परसिवरेंस रोवर ने लगभग अपने सभी कैमरास और इंस्ट्रूमेंट्स की चेकिंग कर ली है, जिसके बाद ये जो परसिवरेंस रोवर है यह जेजरो क्रेटर पर अपनी जो मूवमेंट है उसको भी स्टार्ट कर चुका है और प्रेजेंट टाइम में यह रोवर अपने साथ भेजे गए इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के लिए एक फ्लैट सरफेस की तलाश कर रहा है। और जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि इस रोवर के द्वारा इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के लिए फ्लैट सरफेस को ढूंढा भी जा चुका है और अब जो सबसे बड़ा काम है वो 20 मार्च के बाद कंडक्ट करा जाएगा, मतलब कि इस रोवर के द्वारा अपने इंजेनिटी हेलीकॉप्टर को मार्स पर ड्रॉप करा जाएगा, जिसके बाद यह जो हेलीकॉप्टर है वह अपने इंटरनल हीट का यूज करते हुए मार्स की एक चिल्ड नाइट में सर्वाइव करने की कोशिश करेगा। और अगर यह सक्सेसफुली मार्स की एक नाइट में सर्वाइव कर जाता है तो जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है उसकी फर्स्ट फ्लाइट को अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करा जाएगा। फिलहाल तो इसके रिगार्डिंग जो आगे की अपडेट्स हैं वह तो आपको हिंदी स्पेस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। इसके लिए बस आपको हमें सब्सक्राइब करके रखना है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि परसिवरेंस रोवर के द्वारा मार्स पर ड्राइविंग करते हुए अपनी वॉइस को भी करा गया था, जिसके बारे में हम कल ही वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और अगर आप परसिवरेंस रोवर के द्वारा कैप्चर करी गई वॉइस को सुनना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके इसकी वॉइस को बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही हिंदी स्पेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही डेली वर्ल्ड स्पेस अपडेट्स को हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।